जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रेल रिव्यू में। दोस्तों आज हम जो रेलवे में जो हम सफ़र करते हैं तो उसके दौरान हमें जो मेन समस्या का सामना करना पड़ता है वो है फूड की ओवर प्राइजिंग या फिर कहीं गंदगी है तो उसकी। तो जो सबसे बड़ी समस्या वो है फूड की ओवर प्राइजिंग। हमसे जो 15 रुपये की पानी की बोतल है उसके 20 रुपये वसूले जाते हैं, तो हम इन चीज़ों से कैसे बचें और इसकी शिकायत कहाँ करें, तुरंत एक्शन हो, तो आज हम इन सब चीज़ों पर डिस्कस करेंगे और मैं आपको कुछ नंबर प्रोवाइड करूँगा जिन पे आप शिकायत करके आप जो फूड की ओवर प्राइजिंग है उससे बच सकते हैं। इसके बाद जो सबसे पहला काम आपको अगर ट्रेन में सफ़र करना है, कोई खाना वगैरह मंगवाना है या कुछ भी करना है, तो आपको सबसे पहला काम करना चाहिए कि आप उनसे उसका बिल मांगो, जो प्रिंटेड बिल है वो मांगो और मेन्यू कार्ड मांगो। अगर आप ये सब चीज़ों की डिमांड करोगे तो भी आप ये ओवर प्राइजिंग से बच सकते हैं। तो हम पहले देख लेते हैं किस चीज़ की, जो IRCTC है उसने किस चीज़ की क्या प्राइजिंग डिसाइड की है, उसके बाद हम देखेंगे कि शिकायत हमें कहाँ करनी चाहिए ताकि तुरंत एक्शन हो। तो देखते हैं, रेलवे में जो पानी की बोतल कीमत है वो 15 रुपये, और रेलवे जो ट्रेन है उसमें सिर्फ रेल नीर वाटर है वो ही बेचा जा सकता है। इसके अलावा कोई भी लोकल पानी कोई भी पेंट्री कार वाला रेलवे में नहीं बेच सकता। कॉफ़ी की कीमत है वो 10 रुपये है, वो भी इंस्टेंट कॉफ़ी पाउडर के साथ में। चाय की कीमत 10 रुपये है, और जो चिकन बिरयानी है वो स्टेशन पे आपको 100 रुपये की मिलेगी और ट्रेन में 110 की मिलेगी। और इसके साथ में आपको क्या क्या चीज़ मिलेगी वो इसमें लिखा हुआ है, वो आप देख सकते हो कि साथ में क्या मिलेगा। अंडा बिरयानी की कीमत स्टेशन पर 80 रुपये है और ट्रेन में 90 रुपये है। इसके साथ भी लिखा हुआ है इसके साथ और क्या क्या मिलेगा। इसके बाद स्टैंडर्ड जो नॉनवेज थाली है वो स्टेशन पे 120 रुपये की और ट्रेन में 130 रुपये की है, और साथ में दही वगैरह जो भी है वो मिलेगा। वेज बिरयानी स्टेशन पे 70 रुपये की और ट्रेन में 80 रुपये की। इसके बाद ट्रेन में जो सबसे ज़्यादा खाई जाने वाली चीज़ है वो है वेज मील, जिसकी स्टेशन पर कीमत 70 रुपये है, ट्रेन में 80 रुपये है। तो इसके साथ देखिए इस थाली के साथ क्या मिलेगा आपको। प्लेन राइस मिलेगा 150 ग्राम, 2 पराठा मिलेंगे या 4 चपाती मिलेगी, उसके बाद आपको दाल या सांभर मिलेगा 150 ग्राम, मिक्स वेज सीजनल मिक्स वेज मिलेगी 100 ग्राम, दही मिलेगा 80 ग्राम या फिर कोई भी एक मिठाई मिलेगी, ये सब चीज़ें इसके साथ में मिलेगी। इसके बाद जो आपका स्टैंडर्ड नॉन वेज मील है वो स्टेशन पे 80 रुपये और ट्रेन में 90 रुपये, और इसके साथ साथ आपको क्या मिलेगा वो आप इसमें देख सकते हो क्या क्या चीज़ मिलेगी। और जो जनता मील है उसकी कीमत स्टेशन पे 15 रुपये है और ट्रेन में 20 रुपये है। तो दोस्तों आपको कंप्लेंट दर्ज करवाने के लिए आपके पास एक बैलेट टिकट होना ज़रूरी है। दोस्तों इन सब चीज़ों से बचने के लिए आप एक तो रेल मदद ऐप एप्लीकेशन उस पर आप अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करवा सकते हो, 139 पर कॉल कर सकते हो या फिर ये जो नंबर है इस पर कॉल कर सकते हो। तो दोस्तों जब आप इन नंबरों पर कॉल करोगे या रेल मदद ऐप पर अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करोगे तो 10 मिनट के अंदर अंदर आपकी जो कंप्लेंट है उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा और एक वैलिड एक्शन लिया जाएगा। तो इन नंबरों पे आप कंप्लेंट करके इस तरह की जो रेलवे पेंट्री कार की धोखाधड़ी है उससे बच सकते हो। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, और इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल रेल रिव्यू को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।